जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जांपल। लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वहां तक तो हम सब कुछ कर सकते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जो होना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो डेस्टिनी की बातें अगर वो आदमी करे जो अपनी तरफ से अपना 100% लगा रहा है तो बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% लगा दिया, उसके बाद जो हुआ वो तेरे हाथ में। मतलब कि उसको आप डेस्टिनी कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ करो ही ना और बोलोगे मेरी किस्मत ही खराब है, ये क्या है, ये बेवकूफी। शॉर्ट टर्म में जो डेस्टिनी है ठीक है वो आपके ऊपर हावी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस बंदे के अंदर दम होगा डेस्टिनी उसके पीछे पीछे चलेगी। वो खुद अपनी डेस्टिनी बनाएगा। कैसे बनाएगा? अपने माइंड में वही जो मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूं, जो होता अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ? डेस्टिनी कैसी हो गई? अच्छी हो गई। मुझे नहीं पता क्यों अच्छे के लिए हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी तरफ से हर कर्म पे अपना 100% डालता हूं। मैं राइट, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता तो मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू हैव कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। उसके बाद इस पूरी दुनिया में किसी में दम नहीं होगा कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, सिवाय एक इंसान के, आप खुद। कि आपके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर और कोई नहीं, आप खुद ही हो। लग सकता है देख करके कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे साथ में गलत हो नहीं सकता। पूरी दुनिया को लग सकता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, एक बार को मुझे भी लग सकता है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, लेकिन अंदर तक मुझे पता है कि मेरे साथ में कुछ भी गलत हो नहीं सकता। मरते दम तक जो लाइफ सामने से फेंक रही है उसको देखते रहो, ध्यान अपना लाइफ के ऊपर रखो, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं है। ये टेम्पररी चीजें हैं, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता। जिंदगी खेल है, इस खेल को खेलना है।